इंडिया में दो कोविड 19 की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों को ऑथराइज कर दिया गया है फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इनमें से पहली वैक्सीन कोविशील्ड उस वैक्सीन के इक्विवेलेंट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन है। इसकी एफिकेसी 70% बताई जाती है। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है जो कि दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यह वैक्सीन मेड इन इंडिया होगी। दूसरी कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। इस वैक्सीन को बहुत से एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि इसके फेज 3 ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसकी एग्जैक्ट एफिकेसी अभी हमें नहीं पता है। सेम रीजन से AIDAN ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है कई सारी एनजीओस का, इन्होंने सरकार को कहा है कि ये रिकंसिडर करें इस वैक्सीन को अप्रूव करना। ऊपर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वैक्सीन को ऑथराइज करने की खबर पब्लिक को बताई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं लिए सरकार ने। नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो।